फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे कि कनेल के प्लांट्स में किस तरीके का फर्टिलाइजर डालेंगे जिससे हमारे पौधे में ढेरों फूल आएंगे। फ्रेंड, देख सकते हैं हर तरफ, देखिए इतने सारे फूल आ रहे हैं, इतनी कलियां आ रही है। मैंने इसको डायरेक्ट छत में लगाया है। ये एक डायरेक्ट धूप वाला पौधा है। अगर आप धूप में प्लांट्स को रखते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। फ्रेंड, इसके फूल जो होते हैं 2 से 3 दिन तक चलते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आइए बंच में आते हैं। इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से गुच्छों में फूल खिलते, एक फूल गिरेगा फिर दूसरी कलियां जो बनी है वो खिलेगा, तो लगातार इस टहनियों में फूल आते रहते हैं। अगर आप भी इस तरीके का कनेल का प्लांट्स लगाए हैं तो आपको पौधे की अभी कटिंग नहीं करना है। अगर कटिंग करेंगे तो आपके पौधे में इस तरीके से ब्रांच निकलेगी, फूल अभी आना कम हो जाएंगे। अगर आपने फरवरी में ही कटिंग कर लिया है तो आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी। अगर फरवरी में अपनी कटिंग नहीं किया है, पौधों को बढ़ने दिए, क्योंकि अगर छत पे टेरेस गार्डनिंग आप करते हैं तो ये जो बड़े पौधे होते हैं ना, तो उससे हमारे और भी पौधों को मिलता है, छाया मिलता है। इससे हमारे पौधे की जो बाकी छोटे पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, जैसे देख सकते हैं फ्रेंड, छत भी काफ़ी गर्म होती है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छत पे गार्डनिंग करते हैं, डायरेक्ट धूप में पौधों को रखना है, तो इन बड़े पौधे को ज़रूर लगाइएगा। ये बड़े पौधे बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। पहला काम है कि अगर आपने कनेर के पौधे को किसी भी टप में, बकेट में लगाया है, थोड़ा सा चौड़े साइज का पॉट लीजिएगा। उससे क्या होता है कि पौधे जो होते हैं ना, जो कनेर के पौधे के ये जो नीचे से ब्रांच देख रहे हैं, नीचे से टहनियाँ ज़्यादा निकलती हैं। ये देखिए इनके साइड साइड से, तो ये प्लांट साइड साइड से ही निकलते रहते हैं, लगातार निकलते रहते हैं। ये पौधे जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं फ्रेंड, ये परमानेंट प्लांट होते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी परमानेंट होती है। इसमें आपको मोस्टली जो इनके जो पत्तियां हैं, जैसे इनकी पत्तियां जो भी झड़ती हैं, इन पत्तियों को आपको फेंकना नहीं है, इन पत्तियों को आपको पौधे में ही छोड़ देना। इस तरीके से ये खुद भी खुद इन पत्तियों से ही खाद बनती है। इन्हीं खाद से आपके पौधे भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं और बहुत ज़्यादा पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। कभी भी देखेंगे कि आपके पौधे में, जैसे गमले में जो हम गुड़ाई करते हैं, कुछ करते हैं, तो मोस्टली इन पत्तियों को हम उठा करके फेंक देते हैं। तो इन पत्तियों को बिल्कुल नहीं फेंकना है, इन पत्तियों को आपको कनेल के जड़ों में ही रहने देना है, गुड़ाई कर दीजिए। और फिर एक चीज़ और आपको डालना है, इन पत्तियों की खाद जो होती है अच्छी तो होती होती है। इसके बाद आपको अगर फूलों में चमक चाहिए, फूलों की साइज थोड़ी बड़ी चाहिए, तो ये जो केले के छिलके होते हैं ना, इनके आप टुकड़े टुकड़े करके इसी में डाल दीजिए। धीरे धीरे ये पौधे में गलते रहेंगे, जड़ों में केले के छिलके धीरे धीरे गलते रहेंगे और इसी से ये खाद बनते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पौधे में मतलब ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी, पौधे अच्छे लंबे समय तक चलेंगे। फ्रेंड, एक ये परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट धूप में आप जरूर रखिएगा और इसको डेली पानी आपको देना है। कभी भी अगर आप पानी इसमें कम करते हैं फ्रेंड, कभी भी चाहे गुड़ाई करिए चाहे नहीं करिए, देखेंगे कि बारिश के दिनों में इस पौधे में फ्लावरिंग जो होती है, फूल जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इसको रेगुलर अगर पानी आप देंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और फूलों के साइज भी, फूलों के कलर भी बहुत अच्छे होंगे। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये एक मतलब दूध वाला पौधा जिसमें दूध निकलता है, इसको तोड़ेंगे दूध निकलेगा, तो इसमें पानी कम देना चाहिए। नहीं फ्रेंड, अगर पानी कम देंगे तो जो फूल होते हैं ये तुरंत मुरझाने लगते हैं। इनकी कलियाँ जो होती हैं, ऊपर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये एकदम सूखने लगती है। तो आपको रेगुलर पानी देना है। जितना अच्छा पानी देंगे उतनी ही अच्छे आपके पौधे की ग्रोथ होगी, उतनी ही खूबसूरत से इसके फूल जो होते हैं फ्रेश निकलते हैं। अगर आप देख लीजिए, 2 दिन अगर पानी नहीं देते हैं प्लांट को, तो तुरंत इनकी कलियां मुरझा करके गिरने लगती हैं। तो आपको यही काम करना है कि अगर कनेल का प्लांट लगाए हैं तो इसको आप रेगुलर पानी दीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये है देसी वैरायटी का, ये व्हाइट कलर का कनेल है, ये सिंगल पैटर्न वाला है। ये देख सकते हैं इसमें भी कितनी सारी कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप कनेल का प्लांट्स लगाएं फ्रेंड, तो छोटी से गमले में भी आसानी से लग जाता है। बस आपको यही ध्यान देना है कि इसमें रेगुलर पानी देना है। फ्रेंड, अगर कटिंग नहीं किए हैं तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी आप कटिंग करेंगे तो इस तरीके से ब्रांच निकलेगी, लंबे समय तक फ्लावरिंग नहीं होगी। फरवरी में जो मैंने इन टहनियों की कटिंग की थी, देख सकते हैं, तो फरवरी में जो मैंने शुरू में ही कटिंग किया था, उसके बाद जो ब्रांच निकली तब इसमें कलियां स्टार्ट होना, मतलब कलियां आना शुरू हो गई। अब मार्च में हम कटिंग करेंगे तो हमको फूल नहीं मिलेंगे, केवल हमारी लंबी टहनियां होती जाएंगी। तो कुछ देर वेट करिए, फिर इसको आप अगस्त में जब बारिश होने लगे तब इन पौधों की छटिंग कटिंग करिएगा, उससे बाद देखिएगा आपके पौधे फिर से फ्लावरिंग करेंगे। फ्रेंड, ये जो कनेल का पौधा होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं, ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आता है। केवल आप इनके फूल को आने दीजिए, जितना ज़्यादा फूल आएगा उतनी ही ज़्यादा इसकी साइड साइड से ब्रांच निकलेगी और लगातार आपके पौधे में फ्लावरिंग होती रहेगी और पौधा भी घना होता जाएगा।
अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और इस तरीके से प्लांट